सर, दीप कला फाउंडेशन ने आज जो है 35 आर्टिस्ट को एक साथ में जोड़ा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये दीप कला फाउंडेशन ने जो महाराष्ट्र आर्ट फेयर में कम से कम 60 लोगों को यहाँ पे एक साथ जोड़ा है, और ये ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, कोई सीए है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंटीरियर डिजाइनर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, और इतने सारे वेरियस प्रोफेशन से आने वाले लोग किस तरीके से अपने तस्वूरों को, ख्यालों को पेंटिंग के जरिए अंजाम देते हैं, इसका बखूबी बहुत सुंदर ऐसा प्रदर्शन यहाँ पर आज देखने को मिला। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सारे आर्टिस्ट और सारे कला प्रेमी लोगों ने सहभाग लिया है। मैं समझता हूँ इस प्रकार से अपने आप को व्यक्त करने के लिए, अपने आप को बयां करने के लिए जो एक माध्यम पेंटिंग है, उसका सारे प्रोफेशनल लोगों ने ऐसे इस्तेमाल किया है, उनको अपने कला और अपने हुनर के लिए, और उनका बहुत अच्छा उनको मकाम मिले, इसलिए मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सबका धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ। सर, दीप कला फाउंडेशन जो है वो लोग एक लोग नहीं जोड़ पाते हैं, ये इतने सारे लोगों को एक साथ एक मंच पे लाए। ये जो दीपक यादव है, हालांकि वो मुंबई है, अभी बदलापुर में रहते हैं, लेकिन दीपक यादव को कम से कम 25 साल से मैं जानता हूँ। इतना जनप्रिय इंसान है, लोगों को लोगों से जोड़ के रखने का जो उसका हुनर है वो बहुत ही अहले दर्जे का है, और ये उसी का नतीजा है कि इतने सारे कलाकार विभिन्न क्षेत्रों से, इतने विविध क्षेत्रों से जमा कर कर एक साथ उसने ये प्रदर्शन लगाया है। मैं समझता हूँ बम्बई में इस तरीके का ये पहला प्रदर्शन होगा कि जहाँ पे इतने अलग अलग एरिया से आकर कलाकार अपनी कला की पेशगी किए। सर, इतने सारे आर्टिस्ट ने जो अपनी जो पेंटिंग लिखी, तो उसमें कुछ पेंटिंग की, एक दो पेंटिंग की आपने तारीफ की, क्या है? एक बुद्ध की पेंटिंग है जो मेल और फीमेल दोनों चेहरे से मेल खाती है, एक ही चेहरे में इतनी नूरी भर दी गई है कि मुझे ये पेंटिंग देखने के बाद में यहाँ की मोनालिसा की जो ओरिजिनल पेंटिंग मैंने पेरिस में देखी थी उसकी याद ताज़ा हो गई कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को कैसे बयां करें। देखने वाला उसको बयां नहीं कर सकता है, उसमें लव है, उसमें एंगर है, उसमें कंपैशन, उसमें पीस है, उसमें हर प्रकार की ह्यूमन इमोशंस इंक्लूड की गई है। तो इस प्रकार का ये मैं समझता हूँ इतने अहले दर्जे का, एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल का ये एग्जीबिशन माना जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।